हेलो एवरीवन आज की क्लास में मैं आप लोगों को टिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये आपके पास सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन भी है और क्लास टेंथ का ये एन का क्वेश्चन भी है चलिए देखते हैं यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं प्रूव करना है आपको यहाँ पर टेन ए अपन में वन माइनस कॉटे प्लस कॉटे अपॉन में वन माइनस टेन ए इज इक्वल टू में वन प्लस टेन ए प्लस कॉटे इज इक्वल टू वन प्लस सेके कॉ सेके मतलब यहाँ दो बार इक्वल टू है तो आप इसको क्या करो पहले इसके इक्वल प्रूफ करो तो वो आसानी से हो जाएगा कैसे देखो अगर मैंने यहाँ पर क्या किया अपनी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ली कौन सी साइड ले रही हूं वो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर लिया टेने अपॉन में यहाँ पर लिया वन माइनस का कॉटे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी तो बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ठीक है ये हो गया टेने ठीक है ठीक है अब क्या करते हैं यहाँ पर जो ये कॉट है ना इसको ओपन कर देते हैं मतलब इसको टेन के फॉर्म में कर देते हैं आपको पता है कि जो कॉट है वो टेन का उल्टा होता है तो इसका मतलब टेन ए अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस वन अपॉइंट में टेन ए इसके नीचे कुछ नहीं वन लगा दिया उसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया वन अपॉन में टेन ए ठीक है और यहाँ पर है वन माइनस का टेन ए क्लियर है यहाँ तक अब यहाँ पर अगर मैं बेस सेम करूँ डी नोमिनेटर में तो ये टेन ए ऐसी है यहाँ पर आ जाएगा टेन ए माइनस का वन और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर टेन ए क्लियर अब ये जब आप यहाँ पर इसको ऊपर ले के जाओगे तो रेसी प्रोकल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास टेन ए और ब्रैकेट में आ जाएगा वन माइनस का टेन ए ठीक है अब इसको भी ऊपर ले जाऊंगी जाओगे तो रेसी प्रोकल हो जाएगा तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर टेन स्क्वायर ए और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर टेन ए माइनस का वन ये वाला मैंने एज इट इज लिख रखा है टेन ए और यहाँ पर है आपके पास ब्रैकेट में वन माइनस का टेन है ठीक है अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप क्या करो आप देख लो यहाँ पर है वन माइनस टेन है और यहाँ पर है टेन ए माइनस वन तो माइनस कॉमन ले लो तो इसका मतलब टेन स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा टेन ए माइनस का वन ठीक है माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो गया यहाँ पर आ जाएगा टेन ए अब ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर टेन ए माइनस का वन ठीक है अब आप बेस सेम कर सकते हो यहां पर एलसीएम लेके तो एलसीएम आपका आ जाएगा यहां पर टेन ए ब्रैकेट में आ जाएगा यहां पर टेन ए माइनस का वन क्लियर है अब अगर आप यहां पर देखें तो यहाँ टेन स्क्वायर था तो अब ये टेन क्यूब बन जाएगा क्योंकि एक टेन ए और आ जाएगा बेस सेम करने पर माइनस का वन ऐसे ही रहेगा क्लियर है यहाँ तक आप वन पे भी क्यूब लगा सकते हो क्योंकि वन पे आप कोई से भी पार्ट लगाओ वो रहता वन ही है अब यहाँ पर मैं न्यूमोनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ तो वो आइडेंटिटी मेरे पास होती क्या है वो होती है मेरे पास ए माइनस बी उसके बाद होता है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का ही होता है मेरे पास बी स्क्वायर ठीक है तो ए माइनस बी इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन ए माइनस का वन देन ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर ए प्लस का ए बी मतलब टेन टेन ए ही ठीक है ना क्योंकि वन से इंटू करेंगे तो यही आने वाला है मेरा और वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आने वाला है यहाँ पर मेरे पास टेन ए ऐसी है और ये ब्रैकेट वाला मेरा टेन ए माइनस का वन ऐसी है क्लियर अब देखो ये तो आपस में कट हो गए तो आपके पास बचा क्या अभी आपके पास बचा यहाँ पर टेन स्क्वायर ए प्लस का बचा आपके पास टेन ए प्लस का बचा वन और अपॉन में बचा आपके पास टेन ए यहाँ तक क्लियर है थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर अपने आप आ ही जाएगा तो मैंने अब क्या किया जो ये टेने है ना ये सबके नीचे अलग अलग लिख दिया है ठीक है ना प्लस वन अपॉन में टेन है तो देखो ये तो कट के वन आ गया ये कट के यहाँ पर एक टेने बचा तो इसका मतलब अब आप पे बचा क्या है एक तो आपके पास टेन ही बचा प्लस वन बचा प्लस वन, वन अपॉन टेन आपके पास होता है ए ठीक है अब अगर आप अपने एक बार क्वेश्चन देखें तो एक तो आपको यही प्रूफ करना था ये ना हो गया प्रूफ अब इसको इसके इक्वल करते हैं तो कैसे करेंगे देखो ये तो आपके पास आ चुका ऑलरेडी इसको आप ऐसे लिख दो वन प्लस का टेन है प्लस का कॉट है एक साइड हो गई आपकी प्रूफ हो गई यहाँ पर अब आप इस वन को ऐसे ही रहने दो टेन को लिख दो आप यहाँ पर साइन अपॉन में कॉस क्योंकि अब कॉस और कॉस में आंसर चाहिए ना इसीलिए और यहाँ पर लिख दो आप अपना कॉस अपॉन में साइन क्योंकि कॉट साइन अपॉन में कॉस होता है सॉरी कॉस अपॉन में साइन होता है ठीक है अब इस वन को मैंने ऐसे ही रहने दिया यहां पर मैंने बेस सेम कर दिए तो कॉस ए साइन हो गया मेरा यहाँ और यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर है प्लस में हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर है ठीक है ठीक है अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ये आइडेंटिटी है जो वन के बराबर होती है तो मैंने यहाँ पर वन लिख लिया अब वन अपॉन में कॉस ए आपके पास क्या हो जाएगा कॉस उल्टा होता है सेक वन अपऑन में साइन ए कौसक हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन में वापसी तो अब आपको सेकेंड पार्ट में यही प्रूफ करना था हो गया ना प्रूफ तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछिएगा इसी के ही टिक्नोमेटिक के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कर रखे हैं चैनल पे अपलोड है प्लेलिस्ट बनी है आप वहां से उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू